विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम के जयकमपुरा में दूषित पेयजल आपूर्ति लोगों के जी का जंजाल बनती जा रही है। इतना ही नहीं, यहां के निवासियों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर जयकमपुरा के निवासी पार्षद से लेकर नगर निगम के तमाम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वहीं अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जयकमपुरा के लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम ममता गोड़ है और मैं जयकमपुरा की निवासी हूँ और इस गली में बहुत समस्या हो रही है पानी की। कम से कम एक महीना होगा, सारे दिन ही गंदा पानी आता है, पीने को पानी नहीं है और कूड़ा है वो नहीं उठता। एक महीने से कूड़े वाला भी नहीं आ रहा और बच्चे परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पीने को पानी नहीं है, सारे दिन हमारे परेशानी बढ़ी रहती है। अब बताओ हम जिए तो कैसे जिए, पानी भी गंदा आता है, कूड़ा भी घर में रहता है, बिजली भी नहीं रहती, सबसे ज्यादा हमारी गली की बिजली जाती है। मेहरबानी करके हमारी समस्या का हल करें। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम लव सैनी है, मैं जयकमपुरा में रहता हूँ। पिछले काफी दिनों से बताया जा रहा है कि पानी की समस्या, गंदे पानी आ रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? 20 दिन से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, जो बिल्कुल नहाने लायक भी नहीं है, ना कपड़े धोने लायक है, हमें पानी बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। शिकायत भी बहुत सारी करी दिलीप सानी को नगर निगम में, पर कोई रिस्पांस बिल्कुल ढंग से नहीं आ रहा। वो भी कह रहे कि आएगा, पीछे से आएगा, जब होएगा ठीक होएगा। कोई डेट नहीं मिल रही कि हम इस डेट पर ठीक कर दें, कुछ नहीं मिल रहा, पानी हमें खरीद खरीद के लाना पड़ रहा है। तो और भी समस्या आप बता रहे थे कि जिस तरह की बिजली भी, और क्या बिजली की समस्या और कूड़े की समस्या और सीवरेज, ये बिल्कुल भी जीरो है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कूड़े वाला भी आता है, जाके चले जाता है, कूड़ा भी नहीं उठाता, पैसे लेने के टाइम आ जाता है। अब 100 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमने कहती ठीक है 100 रुपये बढ़ा लो, पर कूड़ा तो उठाओ, वो नहीं, तब भी नहीं आ रहे। उसके बाद सीवरेज की समस्या है, हमेशा बारिश से पानी भर जाता है और बिजली तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हर दिन में 3-3, 4-4 घंटे बिजली कट लग रहे हैं। कुछ भी बिल्कुल मुगल भूत सुविधा है गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव बिल्कुल खत्म कर दिया है नगर निगम वालों में, गुड़गांव में कुछ बचा ही नहीं है। हम जयकुपुरा में रहते हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर के सामने ढेर लगा हुआ कूड़ा का, कूड़ा की गाड़ी भी नहीं आती, पानी 4-4 घंटे पानी इतना गंदा आ रहा, गटर का पानी आता है। कितने दिनों से पानी जो है गंदा? पानी 20-25 दिन से ऐसा आ रहा है। हम पीने का पानी बाहर से लाते हैं, कब तक लाएंगे बताओ मोल का पानी, ये बताओ। और यहाँ पे आके पानी इतना गंदा है, ऊपर से बिजली और काट लेते हैं 4-4 घंटा। जयकुपुरा की बिजली सबसे ज्यादा जाती है, हम इतने परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब बीमार हो रहे हैं, किसी के दस्त, किसी को उल्टियां लग रही पानी पीते। तो आपने इसकी शिकायत पार्षद को या फिर निगम में कभी की? नगर निगम में भी कई पार्षद से भी बोला, वो कहते हैं हमारे घर में भी गंदा आ रहा है, ये तो सभी जगह गंदा आ रहा, 2-3 दिन आएगा फिर साफ आने लग जाएगा, अभी तक तो आया नहीं, 10 दिन हो गया शिकायत करे के बाद में पानी साफ नहीं आया। अगर इस तरह से समस्या लगातार बनती रही तो क्या आगे आपने? समस्या का समाधान नहीं होगा तो रोड जाम करेंगे और क्या होगा। सरकार ने सुननी चाहिए ना कि यह गंदा पानी आ रहा है, पब्लिक को मारेंगे वो ऐसा पानी पिला पिला के।